हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंश्योरेंस ए टू जेड सीरीज। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस की कुछ टर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो सकती हैं, लेकिन उनको जानना भी जरूरी है ताकि कल को जब आप कंपनी के पास जाएं तो आप अच्छे से कंफर्टेबली उनसे बात कर सकें और नेगोशिएट कर सकें। IDV stands for Insured Declared Value। कुछ कंपनीज इसको सम इंश्योर्ड भी कहती हैं। ये टर्म आप समझिए कि आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू है। कल को आपकी गाड़ी का कंप्लीट लॉस हो जाता है या फिर वो चोरी हो जाती है, तो ऐसे में जो आपको वैल्यू मिलेगी कंपनी की तरफ से वो है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये वैल्यू पॉलिसी बनने से पहले ही डिसाइड कर दी जाती है, तो आपको पता रहता है कि कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो मेरे को मैक्सिमम अमाउंट क्या मिलने वाली है कंपनी की तरफ से। अब IDV जो है वो दो फैक्टर्स पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है। पहली चीज तो आप प्रीमियम कितना पे करेंगे अपनी पॉलिसी के लिए। सेकंड थिंग इज कि कल को मिस हैपनिंग होने पे आपको क्लेम कितना मिलेगा, वो भी IDV पे ही डिपेंड करता है। IDV आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का हार्ट है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि ये आपकी गाड़ी का मार्केट वैल्यू है। तो कल को जब आप गाड़ी को बेचने जाएंगे तो आपकी गाड़ी कितने की बिकेगी ये आपकी IDV वैल्यू से पता लग सकता है। हालांकि अगर आपकी गाड़ी की उस समय कंडीशन बहुत अच्छी है तो आपको IDV वैल्यू से ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन लगभग एक आइडिया मिल जाता है आपके IDV को देख के। दूसरी चीज, प्रीमियम और IDV ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रीमियम बढ़ेगा तभी जब आपकी IDV वैल्यू ज्यादा होगी, IDV कम होगा तो प्रीमियम भी कम होगा। IDV वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल कंपनीज आपको भी पावर देती हैं कि 10-15% आप IDV को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि 5 लाख अगर आपकी गाड़ी की IDV सेट की है कंपनी वालों ने, तो आप उनके साथ डिस्कस करके 5-10% इस वैल्यू को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसका फायदा और नुकसान ये होगा कि कम करने पे प्रीमियम भी कम पे करना पड़ेगा, ज्यादा करने पे प्रीमियम भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कम प्रीमियम हो तो ही अच्छा है, हमारा तो उसी में फायदा है, लेकिन इसके साथ एक और भी फैक्टर जुड़ जाता है। कम प्रीमियम होगा तो कल को क्लेम फाइल करने जाओगे वो भी कम ही मिलेगा, और अगर प्रीमियम ज्यादा भर रहे हो तो क्लेम भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन कभी भी अपनी गाड़ी को ना तो अंडरस्टेट करना चाहिए ना ओवरस्टेट करना चाहिए, IDV को बिल्कुल सही रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप कम रख रहे हैं तो टाइम आने पे आपको हो सकता है रिपेयर कॉस्ट ज्यादा हो और कंपनी की तरफ से उतना एड ना मिले। दूसरी चीज, कल को आपकी मिस हैपनिंग नहीं हो रही, जो कि अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन साल दर साल आप प्रीमियम देते जा रहे हैं और क्लेम कभी करना नहीं पड़ा, तो ऐसे में आप ज्यादा प्रीमियम दे के अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो IDV को बिल्कुल एक्यूरेट रखना चाहिए, आपकी मार्केट वैल्यू जो है गाड़ी की बिल्कुल वैसा रखना चाहिए और उसी हिसाब से प्रीमियम पे करना चाहिए। इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन टर्म का पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले ही पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुका हूं। लेकिन आप यहां पे जो टेबल देख रहे हैं ये आपकी गाड़ी के डेप्रिसिएशन रेट्स बता रहा है। अगर आप गौर करेंगे टेबल 5 ईयर्स के बाद एंड हो जाता है, 5 साल के बाद आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन कैसे होगी ये आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन 5 साल के बाद भी इंश्योरेंस तो लेंगे ना, तो वो फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि आपकी गाड़ी का IDV क्या होगा। पहली बात तो आपकी गाड़ी की जो वैल्यू आपको कंपनी से मिलती है गाड़ी, उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन को अगर आप माइनस कर दो तो जो वैल्यू बनती है वो आपकी IDV है। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। जैसे 5 लाख की गाड़ी है और पहले ही साल जब वो बाहर निकली शोरूम से 5% का डेप्रिसिएशन उस पर लग गया, तो 5% का डेप्रिसिएशन लगने पे वो उस गाड़ी की जो IDV बनती है वो बनती है 4,75,000। लेकिन अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एज के साथ साथ गाड़ी की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन बढ़ती जाएगी, इसलिए आपका IDV कम होगा। तो पहला फैक्टर हो गया एज ऑफ द कार। दूसरा फैक्टर है कि आपकी गाड़ी का मेक और मॉडल क्या है। आपकी गाड़ी की ब्रांड फरारी है या फिर आपकी गाड़ी का ब्रांड ह्यूंडई है। फरारी डेफिनेटली ज्यादा कॉस्टली है, तो उसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है, तो ऐसे में उसका IDV भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक ह्यूंडई गाड़ी। तीसरा फैक्टर है आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन स्टेट। आपकी गाड़ी की रजिस्ट्री कहाँ की है, अगर तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी की है, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, ऐसी जगहों की है, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपकी गाड़ी ज्यादा रिस्क जोन में चल रही है, वहां पे चोरी के भी खतरे ज्यादा है, वहां पे एक्सीडेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी गाड़ी की IDV वैल्यू कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू आपकी गाड़ी
गांव में है या फिर एक छोटे शहर में। एंड फोर्थ फैक्टर इज कि आपकी गाड़ी के डेप्रिसिएशन रेट्स, जो कि स्लैब्स बनी हुई हैं, कि हर पार्ट किस रेट पे डेप्रिशिएट कर रहा है, प्लस आपकी गाड़ी में एक्सेसरीज कितनी लगी हुई हैं जो कंपनी की तरफ से नहीं आई थी, आपने खुद ने लगाई हैं, वो सारी भी तो जो है एक रिस्क जोन में है ना, उनका भी कल को खतरा है, वो भी अगर डैमेज हो जाती है उसकी भी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये सारी चीजें या तो कंपनी एक सर्वेयर को भेज के सारा कुछ जो है स्क्रीन कराती है, और आपकी गाड़ी की एक्चुअल आईडी भी क्या बनती है वो आप देखते हैं, नहीं तो जो भी वैल्यू बनेगी वो आप और आपकी कंपनी मिलके ही डिसाइड करती हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होगा कि आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू क्या है। तो क्विकली सम अप करते हैं। फर्स्ट थिंग, आईडीवी आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू है, कल को आप गाड़ी बेचने जाते हैं आईडीवी इंडिकेटिव है इसका। दूसरी चीज, आपकी गाड़ी में जब आप कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम फाइल करते हैं, ये वो लॉस है जब आपकी गाड़ी चलने लायक ही नहीं बची है, उसका रिपेयर कॉस्ट इतना ज्यादा है कि उससे अच्छा है आप नई गाड़ी ले लें, तो ऐसे में आपकी कंपनी आपको कितना पैसा देगी, अगेन आईडीवी डिसाइड करेगा। थर्ड थिंग इज, अपने आईडीवी को ना तो कम रखिए ना ही ज्यादा रखिए, एक मीडियम बैलेंस बना के रखिए, ताकि आपको ना तो ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़े ना ही कम पे करना पड़े, ताकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। इंडिया में इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, ये बात आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आपको उस इंश्योरेंस के प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, और इसी डिस्काउंट का नाम है NCB, इट स्टैंड्स फॉर नो क्लेम बोनस। एज अ इंश्योरेंस होल्डर आपको एक रिवॉर्ड मिलता है कंपनी की तरफ से कि इस बंदे को अगली बार प्रीमियम पे एक छोटा सा डिस्काउंट ऑफर कर दो। अब ये क्यों मिलता है, मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और पूरा साल आपने कोई क्लेम ही फाइल नहीं किया, तो कंपनी को एक सिग्नल मिल गया कि ये बंदा अच्छी तरह गाड़ी चलाता है, इसको अगली बारी एक डिस्काउंट ऑफर करा जाए प्रीमियम पे। अब ये डिस्काउंट जो है पहले से डिसाइडेड है, ये 20% से लेके 50% तक वेरी करता है। जैसे कि आप यहाँ टेबल में देख रहे हैं, अगर आप पहले साल कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते, डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर प्रीमियम पे 20% डिस्काउंट मिल जाता है, या 20% नो क्लेम बोनस मिल जाता है, और हर साल ये 5-5% बढ़ता जाता है, और अगर आप लगातार 5 साल के लिए कोई क्लेम नहीं फाइल करते तो 6ठे साल आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए कि कभी भी आप छोटे मोटे डैमेजेस के लिए क्लेम फाइल मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करते करते आपकी गाड़ी पीछे पेड़ पे टकरा गई, बम्पर छिल गया थोड़ा सा, या बॉडी पे डेंट आ गया। अब ये छोटे छोटे डैमेजेस, वैसे तो आप इनको रहने भी दे सकते हैं, ठीक भी कराएंगे तो इसकी कॉस्ट 500-1000 रुपये आएगी लोकल मार्केट में, लेकिन अगर इसके लिए आप क्लेम फाइल करते हैं तो कंपनी तो नो डाउट उसका आपको पैसा दे देगी, लेकिन अगले साल नो क्लेम बोनस जो है वो 0 पे आ जाएगा। तो ये देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपका बोनस जो है वो 2000 का था और डैमेज जो है 500 है, और 500 के चक्कर में आप 2000 का नुकसान करा रहे हैं, तो ये काम मत कीजिए। छोटे छोटे डैमेजेस अपने आप ही पूरे कर लीजिए। मेरे ख्याल से सबसे पहला बेनिफिट है कि NCB एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह है, कि आप अपनी गाड़ी सावधानी से चलाइए, डैमेज ही नहीं होगा तो क्लेम नहीं फाइल करेंगे, और ये नहीं होगा तो डिस्काउंट बना रहेगा और NCB या तो मेंटेन रहेगा या साल दर साल बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज ये है, NCB आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी से नहीं। आप कोई भी गाड़ी चलाइए, कितनी भी पुरानी हो, किसी भी सिटी में चला रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी अच्छी चला रहे हैं तो कंपनी को एक सिग्नल मिल रहा है कि ये आदमी जब गाड़ी चलाता है तो कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तो कोई क्लेम नहीं आता, तो अगले साल इसको जो है NCB दो या डिस्काउंट दो। और तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है कि NCB ट्रांसफरेबल है, क्योंकि जब आप नई गाड़ी लेंगे तो चलाएंगे तो आप ही ना, तो NCB पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा इजीली। इसको ट्रांसफर कराने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, पहला प्रूफ कि आप पुरानी गाड़ी बेच चुके हैं, दूसरा प्रूफ कि आप नई गाड़ी ले चुके हैं, तीसरा आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रूफ जिसमें आपका NCB डिक्लेयर्ड है कि कितना मिल रहा था आपको अभी। अगर ये प्रोसेस आप ऑफलाइन करा रहे हैं तो फॉर्म नंबर 29 और 30 सबमिट कर सकते हैं अपनी कंपनी को, और अगर ऑनलाइन करा रहे हैं तो बहुत ईजी है, जस्ट आपने पॉलिसी नंबर एंटर करना है वेबसाइट पे और आपका काम हो गया। NCB में दो और इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखिए। पहली चीज तो ये कि NCB के लिए आप तभी क्वालिफाई करते हैं अगर आपने कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लिया हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में NCB नहीं मिलता है।
ये अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक को दोबारा से एड्रेस करूंगा जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी के बीच में आपको फर्क बताऊंगा। सेकेंड थिंग इज कि आपका कब कब एनसीबी 0% पे गिर जाएगा। फर्स्ट इज आपने 20 साल में क्लेम फाइल कर दिया तो आपका एनसीबी 0 पे आ गया। सेकेंड थिंग कि आपने 20 साल में पॉलिसी कैंसिल कर दी, किसी भी कारणवश आपने नई गाड़ी लेनी है या फिर आप पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप बीच में कैंसिल कर देते हैं या ट्रांसफर नहीं कराते तो आपका एनसीबी 0 हो जाता है। थर्ड थिंग इज कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है और 90 दिन के अंतर्गत आप अगर इसको रिन्यू नहीं कराएंगे तब भी आपका एनसीबी 0 पे गिर जाएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखिए ताकि आपको एनसीबी मिलता रहे हर साल। तो आई एम श्योर आपको ये दो टर्म समझ आई होंगी, काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ये। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।